एक वक्त की बात है, बहुत दूर एक जगह में दो बेस्ट फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनके नाम थे के और क्रेडा। के और क्रेडा ने एक एक रोज लगाए अपने आंगन में अपने प्यार की निशानी मानकर। ये रोजेस उनके साथ ही बड़े होंगे। ठंड का मौसम था और सब तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी, और उसी के साथ वक्त आ गया था क्रेडा की दादी माँ से मजेदार कहानियां सुनने का। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है? बहुत दूर से, दादी माँ ने जवाब दिया और शुरू करी अपनी कहानी। एक देश था, बर्फ ही बर्फ सब तरफ। वहाँ की रानी अकेली रहती थी अपने आइस कैसल में, जो उसका खुद का बनाया हुआ था। ये स्नो क्वीन बहुत सुंदर थी और साफ भी, बिल्कुल बर्फ की तरह। पर स्नो क्वीन दिल से दुष्ट थी और आइस कैसल में कई सारे राज छुपा रखे थे। उनका आइसी मिरर भी एक जादुई मिरर था। इसी में वो दुनिया में कहां क्या हो रहा है सब देख सकती थी। तभी क्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन खिड़की से उन्हें देख रही है। के, दादी माँ, देखो स्नो क्वीन खिड़की पे। अरे कोई बिल्ली होगी ठंडी से परेशान। दादी माँ, क्या स्नो क्वीन यहाँ आ सकती है? आने दो, मैं उसे फटाक से चिमनी में डाल दूंगा, पिघल के पानी हो जाएगी वाटर क्वीन। अपने आईसी मिरर में स्नो क्वीन ने देखा कि के क्या बोल रहा था। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और वाटर क्वीन बनाओगे? मेरे आइस पार्कल्स जाओ, मेरी शक्ति से इस लड़के को ढूंढो। उसका दिल और आंखें मुझे चाहिए। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। स्नो क्वीन ने अपने आइस पार्कल्स को यह ऑर्डर दिया। धीरे से एक बर्फीला तूफान क्रेडा के घर की तरफ तेजी पकड़ने लगा और आइस पार्कल्स उसी के साथ जा रहे थे। बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए के ने खिड़की खोली। क्रेडा तभी चिल्लाई, के नहीं। पर देर हो चुकी थी। मेरी आंखें, कुछ घुस गया आंखों में और दिल में, क्या है ये सब? और तभी आइस पार्कल्स ने स्नो क्वीन का काम कर दिया था। उसकी आंखों और दिल में चोट लग चुकी थी और के बदल चुका था। क्रेडा ने पूछा कि क्या हुआ, पर वो उस पे पलट के चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, परेशान मत करो। ये पहली बार था कि के ने क्रेडा से बदतमीजी से बात करी। क्रेडा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। के अगली सुबह भी बदतमीजी से बात कर रहा था। जब वो अपना स्ले निकाल रहा था, क्रेडा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वो वापस उस पे भड़क गया। वो स्ले पे चढ़ के चला गया। क्रेडा उस तक नहीं पहुंच पाई। अचानक उसके सामने स्नो क्वीन आ गई और के उसके पीछे जाने लगा। क्रेडा कुछ भी ना कर सकी क्योंकि वो गायब हो गए। स्नो क्वीन उसे अपने आइस कैसल ले जा रही थी। क्रेडा खिड़की पर उसकी राह देखती रहती। दिन महीने गुजर गए और ठंड का मौसम भी गया, पर के नहीं आया। खुद कुछ करने की चाह से क्रेडा निकल पड़ी अपने दोस्त को ढूंढने, साथ में सिर्फ दादी का दिया हुआ मिरर लेके। बहादुर क्रेडा ने रास्ते में हर एक जन को पूछा अगर उन्होंने के को देखा है। घूमते फिरते वो नदी तक पहुंची
आसपास उसे कोई नहीं दिखा जो उसे केक के बारे में बता पाए। उसने नदी से पूछा पर कोई जवाब नहीं आया। इतने में सिंक्रो आया उसके पास और बोला, नदी के पास है जवाब तुम्हारे लिए, पर पहले उसे एक गिफ्ट देना होगा। क्रेडा ने अपना फेवरेट नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। तभी एक जादू सा हुआ और एक बोट हाजिर हो गया। क्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया है और ये रिटर्न गिफ्ट दिया है। उसके चढ़ते ही बोट खुद चलने लगी। बोट जाके किनारे रुकी। यहाँ एक सीक्रेट गार्डन था जिसमें फूल ही फूल थे, रंग बिरंगे। इतना सुंदर गार्डन उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर कुछ गड़बड़ थी, इन फूलों में खुशबू नहीं थी। गार्डन की दूसरी तरफ से एक औरत उसकी तरफ आ रही थी। ये गार्डन की ओनर थी। कैसी हो प्यारी बेटी, मुस्कुरा के उसने पूछा। और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके गार्डन के फूलों में खुशबू फिर से आ रही है। I'm so sorry, मैं आपकी परमिशन के बिना आ गई। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुम आई। कई साल से कोई नहीं आया मेरे गार्डन में, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? क्रेडा ने कहा कि वो अपने दोस्त के को ढूंढ रही है, पर उन्होंने कहा कि क्रेडा से पहले यहाँ सालों तक उसने किसी को नहीं देखा। अच्छा, ऐसा है तो मुझे फिर से रोड पे जाना चाहिए, मुझे के को जल्द से जल्द ढूंढना है। फ्लावर लेडी नहीं चाहती थी कि वो कहीं जाए, इसलिए उसने एक झूठ बोला। क्या नाम बताया? के, शायद देखा है मैंने उसे। क्रेडा ने उसे सब कुछ बताया और जब फ्लावर लेडी ने स्नो क्वीन का नाम सुना वो भड़क गई। स्नो क्वीन, उसका तो नाम भी ना लो, उसकी वजह से मेरे फूलों की खुशबू चली गई थी। फिर अचानक से उन्हें मन हुआ कि वो क्रेडा के बाल बनाए। क्रेडा को समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने जिद की। क्रेडा को ये नहीं मालूम था कि वो एक जादुई कंघी थी। इस कंघी की वजह से क्रेडा सब कुछ भूल गई, सिर्फ खुशियां याद थी। फ्लावर लेडी बुरी नहीं थी, उसने ये अच्छी नीयत के साथ किया था। जब वो अपनी नींद से उठी क्रेडा को कुछ याद नहीं रहा। वो यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कुछ भी नहीं। फिर उसे दो रोजेस दिखे फ्लावर वुमेन के हाथ में और कुछ याद आने लगा। प्यार के आगे कौन सा जादू चलेगा? उसे नहीं पता कि कितना वक्त वो वहां सोई, पर उसकी प्यारी यादें वापस आ गई थी। वो फिर से नदी की तरफ गई और बोट तो वहीं थी, पर कहां जाना है ये पता नहीं था। तभी एक क्रो उसके पास आया, मानो वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, और क्रेडा उसके पीछे पीछे चल दी। और वो पहुंचे आईसी सी में। वहीं पे एक पायरेट शिप पे जाके वो क्रो बैठ गया। क्रेडा धीरे से उस शिप तक पहुंची। तो ये शिप से पहुंचूंगी मैं क्वीन के कैसल? अचानक कुछ पायरेट्स वहां आ गए और उनमें से एक पायरेट गर्ल ने क्रेडा से बात की। तुम वहीं जाओगे जहां हम जाएंगे, और हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी वक्त स्नो क्वीन कोशिश कर रही थी कि के अपना पास्ट भूल जाए। काफी कुछ तो वो भूल गया, पर क्रेडा उसके सोच से नहीं जा रही थी। बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। पायरेट गर्ल को जब के की कहानी क्रेडा से मालूम चली,
उसने कहा कि उसे भूल जाए क्योंकि उसका निकलना इम्पॉसिबल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। पायरेट गर्ल को ये जिद अजीब लग रही थी। एक्चुअली वो चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे, उसकी फ्रेंड बनकर, पर ग्रेडा जिद की पक्की थी। उसे बचाना ही है मुझे, चाहे जो करना पड़े। उसकी कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए पायरेट गर्ल को ग्रेडा की ये जिद बहुत अच्छी लगी और वो उसके साथ हो गई। अगली सुबह वो उसके लिए एक रेनडियर लेके आई। ये पूरे स्नो किंगडम की फास्टेस्ट रेनडियर थी और वो ग्रेडा को रास्ता दिखाएगी। प्रॉमिस करो कि तुम उस स्नो क्वीन को पकड़ोगी और मेरी शिप को भी बचाओगी। हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आऊंगी। ग्रेडा रेनडियर पे जा रही थी। उसे पहले पता करना था कि स्नो क्वीन को हराना कैसे है, और रेनडियर उसे ये भी बताने वाली थी। काफी चल के वो नॉर्थ पोल पहुंचे। वहां पे उन्हें एक ओल्ड मैन मिले। तो तुमने वो मिरर तोड़ दिया है ना? ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें मिरर के बारे में कैसे मालूम, पर उसे ये पता था कि वो सही जगह आई है, तो उसने उनको वो मिरर दिखाया। तो मैं स्नो क्वीन को इससे ही हरा दूंगी? ये तो मैजिक मिरर है, इसमें सच दिखता है, सिर्फ सच। अगर सच कहीं भी छुपा हो तो भी दिखाता है। प्यार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ नहीं होता, इसलिए असली ताकत तो हम सब में है, प्यार की ताकत। इनकी बदौलत ग्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो क्वीन कौन थी। अगर वो सच दिखा दे तो वो उसे हरा भी सकती है, क्योंकि पहले स्नो क्वीन भी एक अच्छी लड़की थी, प्यार से भरपूर। जहां भी वो छूती फूल खिल जाते थे और उसकी स्माइल में सूरज जैसी चमक थी। वो एक बहुत खुश लड़की थी, उसका नाम था लायला। पर सबको लगता था कि वो कोई जादूगरनी है, इसलिए उसके साथ कोई खेलता या बात भी नहीं करता था। अकेलेपन ने उसकी खुशी छीन ली, उसे अपने आसपास सभी लोगों से नफरत होने लगी, और एक दिन उसने एक विश की। जो भी मुझे परेशान करेगा वो आइस बन जाएगा। और फिर उसने अपना आइस कैसल बनाया, सबसे दूर, अकेले, खुशियों से भी दूर। ग्रेडा स्नो कैसल में पहुंची और वहां उसे दिखा के आइस स्कल्पचर बनाते हुए। के, तुम यहां हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम भूल गए मुझे, मैं ग्रेडा। के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर पहचाना नहीं। यहां मौजूद हर चीज की तरह इसका दिल भी आइस बन चुका है। ग्रेडा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। छोड़ो इसे, ये मेरा है, मैं तुम्हें भी आइस का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, आई लव यू। उसे याद आया। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आया। गुस्से में स्नो क्वीन ने अपना वॉन्ड तेजी से घुमाया और उससे निकली खतरनाक कर्स ऑफ आइस। तभी ग्रेडा ने अपना मिरर निकाला और वो कर्स उससे टकराकर गायब हो गया। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के मिरर में देखा और उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसमें उसे दिखा लायला का चेहरा। अचानक स्नो क्वीन अपने प्यारे से रूप में बदल गई, वो लायला बन गई। जानती हूं कि मैं कौन हूं, मैं फिर से आजाद हो गई। बाय बाय। के और ग्रेडा एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे।
एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों रोजेस की तरह जो उनके आंगन में हैं। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेस बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका, फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहां? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो, देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िये की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िये। भेड़िये को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िये ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िये के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं, उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िये हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िये को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ, अब से पेस्ट्री खाऊंगा, थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िये ने दरवाजे पर नॉक किया, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िये ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे, हाँ भागोगे, मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवा घड़ी के अंदर।
पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेस बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िये को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िये का पेट काटा, उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, 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 सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िये के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए।
सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती। एक समय की बात है, एक खूबसूरत सी प्रिंसेस एक बड़े से महल में रहती थी। एक दिन उसके पापा महाराज जी ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट में एक गोल्डन बॉल दिया। हैप्पी बर्थडे बेटी। थैंक यू पापा। प्रिंसेस को ये गोल्डन बॉल बहुत पसंद था और वो अपना सारा वक्त उसके साथ खेलने लगी। एक दिन वो खेलते खेलते बाहर चली गई। प्रिंसेस बॉल से खेलती खेलती एक पॉन्ड के पास पहुंच गई। वो खड़ी खड़ी खेल रही थी कि वो बॉल को पकड़ नहीं पाई और बॉल दूर जाने लगा। मेरा बॉल। प्रिंसेस बॉल के पीछे भागने लगी पर बॉल और भी तेज जाने लगा। आगे जाके वो बॉल पॉन्ड में गिर गया और गहरे पानी में डूब गया। ओह नो। प्रिंसेस पॉन्ड के पास बैठ के रोने लगी। ओह मेरा प्यारा गोल्डन बॉल, अब मैं कैसे उसे वापस लाऊं? अचानक प्रिंसेस ने एक आवाज सुनी। रिबिट। मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो? प्रिंसेस ने आसपास देखा पर समझ नहीं पाई कि आवाज कहां से आ रही है। जब ध्यान से देखा तो देखा कि ये मेंढक की आवाज है जो पास बैठ के प्रिंसेस को देख रहा था। मेंढक प्रिंसेस की तरफ कूदा और फिर से पूछा, क्या हुआ मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो? प्रिंसेस हैरान हो गई जब उसने बोलते हुए मेंढक को देखा। एक बोलता हुआ मेंढक, ये कैसे हो सकता है? अरे प्रिंसेस, सामने बैठा हूँ आपके, अब बताइए क्यों रो रही हो? खुद को शांत करके प्रिंसेस अपनी कहानी बताने लगी। गोल्डन बॉल जो मेरे पापा ने मुझे दिया वो पॉन्ड में गिर गया है और डूब गया, अब मैं क्या करूं? मेंढक प्रिंसेस के पैरों के नजदीक आया और एक तरीका बताया। सुंदर प्रिंसेस, मैं आपका बॉल ले आऊंगा पर उसके बदले में आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। प्रिंसेस समझी नहीं, पर क्या करना होगा? अगर आप मेरी दोस्त बन जाएं तो मैं आपके साथ महल में रहना चाहूंगा। प्रिंसेस ने इसके बारे में सोचा और उसकी बात मान ली और मेंढक ने पानी में कूदी लगाई और अंदर गया। थोड़ी देर बाद मेंढक गोल्डन बॉल के साथ बाहर आया और बॉल को प्रिंसेस की तरफ फेंका। बॉल मिलते ही प्रिंसेस खुशी खुशी वापस महल में जाने लगी। प्रिंसेस को उसके बिना जाता देख मेंढक ने जोर से आवाज लगाई। मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप मुझे भूल गई। आपने वादा किया था मुझे महल ले जाने का। प्रिंसेस दूर से चिल्लाई हंसते हुए। तुम्हारी जैसा गंदा दिखने वाला मेंढक मेरी जैसी सुंदर प्रिंसेस के साथ रहने की सोच भी कैसे सकता है? रिबिट। प्रिंसेस मेंढक को वहीं छोड़ के महल में चली गई। रात को महाराजा रानी और प्रिंसेस डिनर टेबल पे बैठे। जब वो खाना खाना शुरू ही कर रहे थे ठीक उसी समय उन्होंने दरवाजे पे दस्तक सुनी। मेड ने उन्हें बताया कि मेंढक आया है और कहा कि प्रिंसेस ने उसे इनवाइट किया है और वो अंदर आना चाहता है। महाराजा जी हैरान हुए और अपनी बेटी से पूछा, आप बताएंगी ये क्या हो रहा है बेटी? वो पापा। प्रिंसेस ने सब कुछ बताया जो सुबह पॉन्ड के पास हुआ। अगर तुमने मेंढक को वादा किया था बॉल बचाने के लिए तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। महाराजा ने मेंढक को कहा कि मेंढक को अंदर लाए।
थोड़ी देर में दरवाजा खुला और मेंढक कूदते हुए अंदर आया और डिनर टेबल के नजदीक आके रुक गया। गुड इवनिंग सबको और महाराजा जी थैंक यू मुझे अंदर बुलाने के लिए। एक लंबी सी छलांग लगा के मेंढक प्रिंसेस के प्लेट के पास आ पहुंचा। दुखी होके प्रिंसेस ने मेंढक को देखा। महाराजा जी मेंढक के लिए एक प्लेट मंगवा रहे थे पर मेंढक ने उन्हें रोक दिया। प्लेट की जरूरत नहीं, मैं प्रिंसेस की प्लेट में से खा सकता हूँ। मेंढक ने प्रिंसेस की प्लेट में से खाना शुरू किया। प्रिंसेस परेशान हुई पर सोचा कि डिनर के बाद तो वो वैसे भी चला जाएगा तो कुछ ना बोली। पर मेंढक के कोई इरादे नहीं थे डिनर के बाद जाने के। जब प्रिंसेस टेबल से उठी तो मेंढक ने उन्हें रूम तक फॉलो किया। समय गुजरा और मेंढक को नींद आने लगी। मेरी प्रिंसेस मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके बेड पे सोना चाहता हूँ। पिता को बुरा ना लगने के डर से प्रिंसेस ने इस बात के लिए भी हाँ कह दिया। मेंढक बेड पे कूदा और अपना सर प्रिंसेस के नरम तकिए पे रख दिया। अपना सारा गुस्सा ना दिखाने की कोशिश करते हुए प्रिंसेस मेंढक के नजदीक सो गई। सुबह होते ही मेंढक ने प्रिंसेस को जगाया। गुड मॉर्निंग मेरी सुंदर प्रिंसेस, मेरी एक और विश है, बस उसे पूरा कर दो तो मैं अभी के अभी चला जाऊंगा। मेंढक चला जाएगा इस बात से प्रिंसेस बड़ी खुश हुई पर उसने ऐसा दिखाया नहीं। अच्छा बताओ अब क्या है? मेंढक ने प्रिंसेस की आंखों में देखा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किस करें प्रिंसेस। प्रिंसेस गुस्से में उससे दूर खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नहीं होगा। मेंढक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह आंसू टपकने लगे। प्रिंसेस ने थोड़ी देर तक सोचा। इसमें क्या है? एक छोटी सी किस ही तो है और उसके बाद इसे छुटकारा। और प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया। जैसे ही प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। रोशनी में प्रिंसेस को कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब रोशनी गुम होने लगी प्रिंसेस को फिर से दिखने लगा पर इस बार उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं जहां मेंढक खड़ा था अब एक हैंडसम आदमी था। प्रिंसेस को पता नहीं था कि ये सच है या नहीं और इसलिए उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उस मेंढक को क्या हुआ? मेरी सुंदर प्रिंसेस, मैं एक दूर राज्य का प्रिंस हूँ। एक चुड़ैल ने जादू करके मुझे मेंढक बना दिया था। वो जादू तोड़ने के लिए मुझे एक प्रिंसेस के साथ एक रात रहना था और एक किस लेनी थी। आपने मुझे हमेशा मेंढक रहने से बचा लिया। प्रिंसेस हैरान तो हुई पर बहुत खुश भी हुई। दोनों महाराजा के पास गए और पूरी बात बताई। बेटी, मेंढक ने तुम्हें ये दूसरी बात सिखाई है। हमें किसी की सच्चाई जाने बिना उसके दिखने के तरीके से उसके बारे में फैसले नहीं लेने चाहिए। महाराजा ने कुछ और दिन प्रिंस की मेहमान नवाजी की अपने महल में। प्रिंस और प्रिंसेस पॉन्ड के पास आए जहां वो पहली बार मिले थे। मेरी प्रिंसेस, क्या आप मुझसे शादी करोगी और मेरे घर चलोगी? प्रिंसेस मुस्कुराई और सर हिला के हाँ कहा और ठीक उसी समय एक आवाज आई। रिबिट, रिबिट। दोनों आवाज जहाँ से आई वहाँ मुड़े और देखा वहाँ पॉन्ड के नजदीक एक मेंढक था। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और उसके बोलने का इंतजार किया पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चिंता मत करो छोटे मेंढक, एक दिन तुम्हें भी तुम्हारी प्रिंसेस मिलेगी। थोड़े समय बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी से रहे हमेशा।